दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके एजुकेटर में। दोस्तों जैसे कि कल हमने एक वीडियो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचना दी थी कि जो 2018-19 यानी पिछले साल, इस साल से यानी इस साल के पिछले सत्र में जिन छात्रों की स्कॉलरशिप और फीस वापसी नहीं आ पाई थी फंड उपलब्ध ना होने की वजह से, तो उन छात्रों की स्कॉलरशिप और फीस वापसी फिर से आने लगी है। और इसका प्रूफ हमने कल की वीडियो में भी आपको PFMS के स्क्रीनशॉट से दिया था। आज फिर से मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ। कल के जो प्रूफ थे उसमें एग्जैक्ट डेट नहीं दिख रही थी, आज डेट भी दिखाऊंगा आपको और बाकी चीज़ भी आपको बताऊंगा कैसे आपको कहाँ से चेक करना है। 100% आप लोगों की स्कॉलरशिप और फीस वापसी आ रही है 2018-19 की, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए आपके सामने ये PFMS का एक स्क्रीनशॉट है एक स्टूडेंट्स का, ठीक है। ठीक है, तो उनका हम नाम और अकाउंट नंबर थोड़ा सा हाइड किए हुए हैं। जैसा किसी तरह का कल स्क्रीनशॉट हमने आपको दिखाया था, आप यहाँ से बैंक नेम देख लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक, और ये इनका अकाउंट नंबर था, यहाँ पर नाम था और ये स्कीम नेम। हमने आपको बताया था कि SC और ST की जो स्कॉलरशिप आती है उसमें स्कीम नेम में क्वेश्चन मार्क्स लगा रहता है। OBC यदि की आती है तो OBC और माइनॉरिटीज वाले में यहाँ पर नाम लिखा रहता है, OBC या माइनॉरिटी, ठीक है। पर्पज एजेंसी नेम ये UTR बैंक ट्रांजेक्शन आई डी, ये सब उनके मतलब उनकी ट्रांजेक्शन आईडी होती हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आईडी, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नाम देख लीजिए स्टूडेंट का, मोहनेश कुमार है। और अमाउंट जो है इनका देखिए 10,830 रुपये, पिछले वर्ष इनकी जो नहीं आ पाई थी फंड ना बचने के कारण स्कॉलरशिप, वो अब आ गई है। और यहाँ पर स्टेटस आप देख सकते हैं, सक्सेस हो गया है। और सबसे मेन बात आप यहाँ पर डेट देख लिए, 5/12/2019 को इनकी ये स्कॉलरशिप इनके खाते में आई है। तो ठीक है, जिन दोस्तों को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि जो कल हमने वीडियो बनाई थी उसमें यहाँ पर डेट में 01/01/0001 ऐसा दिया था, तो मैंने बताया था कि जब स्टेटस यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा तो सही डेट लिख के आ जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए वो डेट लिख के आ गई है 5/12/2019 की, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। और तो यदि आपकी भी नहीं आई थी पिछले वर्ष स्कॉलरशिप और फीस वापसी, तो आप जाके अभी PFMS पर अपना भी चेक कर लीजिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो UP स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाके स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो स्टेटस नहीं आपको चेक करना है, आपको PFMS पर जाके अपने बैंक अकाउंट से आप सर्च करना है स्कॉलरशिप आई है कि नहीं। अगर नहीं पता आपको कि कैसे सर्च करना है तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर वीडियो बना देंगे। वैसे ऑलरेडी एक वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है बनी, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।